बुद्धा है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है विश्व में। तो जो गीतकार हैं हमारे साथी, मैं उनको कहूंगा, निवेदन करूंगा कि जो अपनी रचना है उसको वो उस जो ऊंचाई है उसकी तरफ प्रेरित करें। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। पहले तो ये भी लोग मानने को राजी नहीं थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है, वो प्रश्न चिन्ह लगाते थे उस पर। परंतु हम सब लोगों ने इस देश में जो लोग हैं उनको ये मानने के लिए मजबूर किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक भारत के निर्माण की जो नींव रखी है वो समता, समानता, बंधुत्व, न्याय और धम्मा के सिद्धांत पर है। समता, समानता, बंधुत्व और न्याय और धम्मा, धम्मा दोस्तों वो बुद्ध का धम्म है, जो कोई डॉगमा नहीं है, जो कोई अनुष्ठान नहीं है, जो मानव को एक आम व्यक्ति से महामानव की तरफ बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो वो धम्मा है जो मानवता, जो मॉरल और जो एथिक्स हैं एक मनुष्य में सत्य को उजागर करने के लिए उसकी तरफ मनुष्यों को प्रेरित करता है, वो धम्मा है। तो दोस्तों आज मैं याद करूंगा और नमन करूंगा महामानव संबोधि प्राप्त तथागत बुद्ध को। मैं याद करूंगा गुरु रविदास, कबीर, चोखा मेला, नंद नार को। मैं याद करूंगा बिरसा मुंडा, नारायणा गुरु, ईवीएस स्वामी पेरियार को। मैं याद करूंगा सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले को। मैं याद करूंगा सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर को। दोस्तों ये 2600 वर्षों की चीन है। अगर आप इसका इतिहास जानना चाहते हो तो ये 2600 वर्षों की एक चीन है, एक लगातार चली आ रही श्रृंखला है ये। और उसमें आप भी उसके एक सिपाही हो। आज आप पर ये दायित्व है कि वो सोच को उखाड़ फेंकना जो मनुष्यों और मनुष्यों में भेद करती है, और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है। कैसे बनेगा प्रबुद्ध भारत? क्या ऐसे बनेगा प्रबुद्ध भारत जब एक व्यक्ति पे अत्याचार होता है, उसको अछूत माना जाता है, और एक व्यक्ति जिसमें कोई गुण नहीं है उसको ऊंचे स्थान पे बिठाया जाता है? तो क्या इस प्रकार बनेगा प्रबुद्ध भारत? बाबा साहब ने ऐसे प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना नहीं की है भारत का संविधान लिखते हुए। उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति को उसको ऐसा अवसर प्रदान किया जाए कि वो उत्कृष्टता की तरफ प्राप्त हो, वो सिंबल ऑफ नॉलेज बने, वो ज्ञान का प्रसार करे, वो ज्ञान को ग्रहण करे और वो ज्ञान को प्रचालित करे समाज में रहते हुए व्यक्ति के नाते। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था हम कायम कर पाए तो हम भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। ये दायित्व है हम सब पर। आप दूसरों की तरफ मत देखते रहिए कि वो आपके संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। ये दायित्व है हम सब पर, जहाँ भी हैं हम, जिस भी प्रयोजन में हम एंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हमको उसी स्थान पे रह के अपना कंट्रीब्यूशन देना है और हमको भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है। आज विश्व के इतिहास में भारत के लोगों ने एक भी ऐसी खोज नहीं की है जिसके ऊपर उनको गर्व हो, चाहे वो इंजेक्शन लगाने की सुई हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर हो, चाहे वो स्पेस में भेजने वाले स्पेसशिप हो। इस प्रकार की कोई भी अनुसंधान भारत के लोगों ने नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि भारत में शिक्षा मात्र कुछ ही तत्वों का एकाधिकार रहा है। जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक शिक्षा का प्रसार हर एक व्यक्ति जनमानस एक बच्चे के लिए नहीं, ऐसा प्रबंध इस भारत में होगा, तो भारत कभी भी प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। भारत कभी भी विश्व में बड़ा देश नहीं बनेगा। हमारे महानायकों ने हमें यही शिक्षा दी है कि भारत को एक सशक्त भारत बनाना है। हर एक व्यक्ति जो इसमें रहने वाला है उसकी उन्नति हो, उसकी प्रगति हो, वो आगे बढ़े, उसको गर्व हो कि वो भारतीय है, और इस जाति की मानसिकता को, इस धर्म विभेद की मानसिकता को बाबा साहब ने कहा है कि हमको तोड़ना है। इसलिए महान पुस्तक बाबा साहब ने लिखी है, जाति भेद उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको पढ़ना है, उसको 100 बार पढ़ना है।
जितनी बार पढ़ोगे आपको अपने जीवन में पथ प्रदर्शन मिलेगा, आप अग्रसर होंगे प्रगति की तरफ। वो पुस्तक विश्व में लिखी हुई 100 पुस्तकों में एक पुस्तक मानी गई है जो किसी भी व्यक्ति का मन परिवर्तित कर सकती है, उसको सही दिशा में अग्रसर कर सकती है सोचने के लिए। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि आप ना सिर्फ इस प्रकार के परियोजनों में आएं, अपने परिवार को लाएं, अपने बच्चों को भी लाएं, ताकि उनको पता लगे कि इतने हजार सालों तक अगर वो आज जीवन की बेहतर परिस्थिति में हैं तो किसने उनके लिए योगदान दिया है। क्या हम उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं? क्या हम उनके दर्शन से, उनकी फिलॉसफी से, उनके 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 संदेश से कुछ मात्र डायरेक्शन प्राप्त करके अपने जीवन को एक नए जीवन की तरफ अग्रसर कर सकते हैं? और अगर हम कर पाए तो हमारा वो प्रयास होगा इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में किसी पे अत्याचार हो, किसी औरत का रेप हो, किसी की प्रॉपर्टी छीनी जाए, किसी की हत्या हो। इस प्रकार की व्यवस्था कानून के शासन के विरुद्ध है। भारत ने 70 साल पहले कानून के शासन और कानून की प्रोटेक्शन जैसे जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हैं, जो संवैधानिक प्रिंसिपल हैं, पर इसके पीछे बहुत स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व है कि अगर किसी की हत्या होती है तो लोकतंत्र का हनन होता है, अगर इस किसी की प्रॉपर्टी छीनी जाती है तब भी लोकतंत्र का हनन होता है। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऐसा देश हमको बनाना है जिसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों को आपस में मिलके उच्च उद्देश्य प्राप्त करने हैं और आने वाली नस्लों को उससे भी उच्च उद्देश्य अपने लिए कायम करने हैं। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। अगर आपको जानना है तो उनकी जो पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन से पहले ही 1943 में बाबा साहब अम्बेडकर ने वो पुस्तक लिखी थी, और उसका एक दूसरा एडिशन 1945 में उन्होंने दिया था। अगर आप भारत को कैसा भारत बनाना चाहते हैं, ऐसी परिकल्पना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको और दर्शन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रयोजन करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप प्रगति की तरफ अग्रसर हों और अपने ज्ञान का वर्धन करें, अपने बच्चों को इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने वाले मूवमेंट में सम्मिलित करें। उन लोगों ने, उन महामानवों ने जो अपने पूरे जीवन में जीवन दान दिया है कि हमें, हमारे बच्चों को अच्छा जीवन प्राप्त हो, उससे मार्गदर्शन लेके अपने जीवन में धारण करें। अगर हम ऐसा कर पाए तो तभी हम समझेंगे कि हम प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। बुद्ध कहते हैं धम्मपद 320, 21 और 22 में, तथागत बुद्ध लिखते हैं धम्मपद 320, 21 और 22 में कि जैसे ट्रेंड किए हुए हाथी पर ही राजा सवारी करता है, और जब वो हाथी हजारों लाखों की संख्या में भीड़ में चलता है तो एक भी व्यक्ति को वो हानि नहीं पहुंचाता है, चोट नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा हाथी ट्रेंड किया होता है, उसको प्रशिक्षण दिया होता है। तो आगे कहते हैं बुद्ध कि जिस प्रकार उच्च नस्ल के घोड़े ट्रेंड करने पर उत्तम प्राणी होते हैं और भीषण युद्ध में अपने सवार की रक्षा करते हुए उसको आगे लेके चले जाते हैं, तो बुद्ध आगे कहते हैं कि सर्वोत्तम मानव वो है इन सब क्रिएशंस में जो नेचर के माध्यम से हुई हैं, उसमें मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है, और वो मनुष्य सबसे सर्वोत्तम है जिसने अपने मन को ज्ञान से ट्रेंड किया है, उस पर अंकुश लगाया है, ज्ञान अर्जन किया है और उस ज्ञान का प्रसार मानवता के उत्थान के लिए किया है। तो दोस्तों, उसी प्रकार ये शब्द कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि क्या हम ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं, इस प्रकार से अपने मन को ट्रेंड कर सकते हैं, ऐसे हाथी बन सकते हैं जिसको ट्रेनिंग दी जाए तो हजारों लाखों की भीड़ में राजा उसके ऊपर सवारी करके निकल जाए, परंतु वो हाथी एक भी व्यक्ति को उसका बाल तक छू नहीं जाता है। तो इस प्रकार के महामानव, इस प्रकार के मानव हमको बनना है। अगर हम बन पाए तो हमारा परिवार सुखी होगा, हम सुखी होंगे, और ये समाज जिसमें हम रहते हैं, इसमें जो दुष्प्रचलित मान्यताएँ हैं उसको हम जड़ से उखाड़ देंगे और भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। जय भीम, जय भारत।